दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे फल के बारे में बताने वाला हूँ जो स्त्री तथा पुरुष दोनों के रोगों के लिए एक बहुत ही पक्का इलाज है। इसका नाम है गुलर। गुलर को आयुर्वेद में काफ़ी प्राचीन समय से उपयोग किया जाता है और आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं आयुर्वेद.com की रिपोर्ट। तो गुलर को आयुर्वेद में काफ़ी प्राचीन समय से उपयोग किया जाता है। ये हमारे शरीर के लिए किसी अमृतसर कम नहीं है। इसका सेवन करने से हमारे शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि गुलर का उपयोग तथा सेवन करने से कई बीमारियां आसानी से ठीक हो जाती हैं तथा हमारा जो सेहत होती है वह ठीक होती है और हम बीमारियों से बची रहती हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो पहला फ़ायदा है डायबिटीज़ को ख़त्म करने में। गुलर डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ही उपयोगी फल है। इसके सेवन से हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा कम होने लगती है और इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में डायबिटीज़ नियंत्रित रहती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में उपयोगी। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत उपयोगी है यह फल और इसके सेवन से आपके शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से नीचे गिरता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। कमजोरी को भी दूर करता है। शरीर कमजोरी को दूर करने में गुलर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर के उन सभी कमज़ोर हिस्सों पर काम करता है और उन्हें मजबूत बनाता है, जिस वजह से हमारे शरीर में कमजोरी दूर होती है। हृदय के लिए फ़ायदेमंद। गुलर हृदय के सभी रोग को दूर करता है और हमेशा हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है। कब्ज से देता है छुटकारा। गुलर में काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। जो लोग दिन में एक या दो गुलर का सेवन करते हैं उन व्यक्तियों को कब्ज की समस्या नहीं होती है तथा पेट से संबंधित समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। गर्भपात में उपयोगी। जिन महिलाओं को गर्भपात हो जाता है तथा वह महिलाएं बार बार इस घबराहट में रहती हैं कि उनका फिर से गर्भपात ना हो जाए, उनके लिए गुलर किसी वरदान से कम नहीं है। वह महिलाएं गुलर का सेवन ज़रूर करें। तो दोस्तों ये थे गुलर के कुछ फ़ायदे। तो उम्मीद दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।